हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसकी यूनिट हमारी लास्ट चल रही थी। तो इस यूनिट में हम स्टडी कर रहे थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो पिछले टू लेक्चर्स में हमने स्टडी कर लिया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज का टॉपिक है हमारा सेक्स हार्मोन्स, कि जो फीमेल है मेल है उनके अंदर कौन कौन से सेक्स हार्मोन है जो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली हेल्प करते हैं, और जो भी सेक्सुअल रिलेटेड ऑर्गन्स हैं उनको ग्रोथ करते हैं, उनमें जो भी बदलाव आते हैं उनमें उनका इम्पोर्टेंट रोल होता है, उन हार्मोन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोनों के बारे में देखेंगे, मेल और फीमेल हार्मोन्स। तो फर्स्ट हम बात करेंगे मेल सेक्स हार्मोन की। उससे पहले हम ये, अगर आपने वीडियो हमारी लाइक नहीं की है और शेयर नहीं की है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फर्स्ट है मेल सेक्स हार्मोन। अब मेल जो सेक्स हार्मोन्स हैं उनका क्या रोल होगा? अब जो भी परिवर्तन मतलब चेंजेस आते हैं मेल की बॉडी के अंदर सेक्सुअल रिलेटेड रिप्रोडक्शन रिलेटेड, मतलब कि जो ग्रोथ होती है सेक्सुअल ऑर्गन्स की, वो सब कुछ हार्मोन्स पे डिपेंड करती है। हार्मोन्स कहाँ से सिक्रेट होंगे बेसिकली मेल के अंदर? इंटरस्टेटियल सेल्स ऑफ टेस्टिस। बेसिकली जो हार्मोन है कहाँ से रिलीज होते हैं, जो हमारा सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, वहाँ से बेसिकली मेल के अंदर हार्मोन्स रिलीज होंगे, सिक्रेट होंगे मेल सेक्स हार्मोन, विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड द एंड्रोजन्स। उनको हम क्या बोलेंगे, जो हार्मोन टेस्टिस से रिलीज होंगे सिक्रेट होंगे एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स हम उनको बोलेंगे कलेक्टिवली, जो भी चाहे दो हैं तीन हैं जितने भी हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं उन सभी को मिला के हम बोल देंगे एंड्रोजन्स। अब कौन कौन से हार्मोन हैं जो बेसिकली रिलीज होते हैं सिक्रेट होते हैं टेस्टिस से? टेस्टोस्टेरोन, सभी ने सुना होगा। मेल जो हार्मोन सेक्स हार्मोन की बात करें तो नाम सबसे पहले आता है टेस्टोस्टेरोन का, इसका बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, एंड्रोस्टेनोडाइओन, ये थ्री हार्मोन्स है बेसिकली, इनको एंड्रोजन्स हम बोलते हैं जो टेस्टिस के द्वारा सिक्रेट होते हैं। अमंग दीज थ्री एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड इन द लार्ज क्वांटिटी। जो टेस्टोस्टेरोन है बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में सिक्रेट होता है, एंड जो डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है इज मोर एक्टिव, ये थोड़ा कम रिलीज होता है। बात कर लेते हैं फंक्शंस की। अब हार्मोन रिलीज हो रहे हैं तो क्या फंक्शन है? तो स्टिमुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। जब स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, स्पर्म बनेगा, उसके बाद ही तो आगे की जो भी रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। जब स्पर्म ही नहीं बनेगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। स्पर्म में इन्हीं का रोल होता है, स्पर्म इन्हीं के द्वारा बनता है। ग्रोथ ऑफ पेनिस, पेनिस की ग्रोथ, सेक्रोटम एंड प्रोस्टेट, जो भी ग्रोथ होती है ये सब कुछ डिपेंड करती है हार्मोन्स के ऊपर। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, जो भी सेक्सुअल करेक्टर आते हैं, दाढ़ी मूछें आना, तो ये सब कुछ क्या है, ये काम है इनका हार्मोन्स का, जो बेसिकली एक मेल के अंदर बहुत ही इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसे अगर किसी के मेल के अंदर डिफेक्टिव है तो उनमें डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी के दाढ़ी नहीं आती है, किसी के मूछें नहीं आती हैं, और भी इसके साइंस हैं बहुत। तो जो ये इनका ही रोल होता है, हार्मोन्स का ही खेल है और कुछ नहीं है। बात कर लेते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन्स की। जैसे मेल के अंदर हार्मोन सिक्रेट होते हैं वैसे ही रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को, फीमेल बॉडी को भी हार्मोन्स की रिप्रोड्यूस करने के लिए। फीमेल सेक्स हार्मोन और सेक्स स्टेरॉइड प्ले वाइटर रोल इन सेक्सुअल डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन एंड जनरल हेल्थ। जितना रोल मेल हार्मोन का होगा उतना ही फीमेल हार्मोन का होगा, दोनों मिक्स होंगे तभी रिप्रोडक्शन हो पाएगा, तो दोनों का ही इम्पोर्टेंट रोल है। सेक्स हार्मोन लेवल चेंज ओवर टाइम, बट सम ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज हैपन ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी एंड मेनोपॉज। जो भी सेक्स हार्मोन रिलीज होते हैं वो जब प्यूबर्टी कंडीशन आती है, प्रेगनेंसी आती है, मेनोपॉज आती है, किसके अंदर? फीमेल के अंदर। तो उस कंडीशन में इनका जो रोल है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
तीन कंडीशन है, प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी और मेनोपोज। आप सभी जानते हैं ये एक एज आ जाती है जिसमें आप मतलब रिप्रोडक्शन हो सकता है बॉडी के अंदर, इसके बाद प्रेगनेंसी, जब रिप्रोडक्शन होने के बाद बेबी का बर्थ होता है, इसके बाद जो रिप्रोडक्शन करने की जो एक एंड लिमिट है वो आ जाती है, उसको हम बोलते हैं मेनोपोज। ओवेरी सिक्रेट द फीमेल सेक्स हार्मोन। अब मेल के अंदर टेस्टिस सिक्रेट करते हैं हार्मोन्स और इसके अंदर ओवेरी सिक्रेट करेंगे, जिनको हम दो हार्मोन बेसिकली इसके अंदर सिक्रेट होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। नाम याद रखना है आपको हार्मोन्स की कि कौन से मेल हार्मोन हैं कौन से फीमेल हार्मोन हैं। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल है, किसी का मतलब सेकेंडरी जो सेक्सुअल करेक्टर्स हैं उनमें रोल होगा, किसी का प्रेगनेंसी में रोल होगा, किसी का मेनोपॉज में रोल होगा। द मेजोरिटी ऑफ एस्ट्रोजन प्रोडक्शन अकर इन द ओवरीज, द एड्रीनल ग्लैंड एंड फैट प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन। जो मेन अमाउंट है ओवरीज से सिक्रेट होता है एस्ट्रोजन का, और बाकी ये रिलीज होता है एड्रीनल ग्लैंड से भी, फैटी सेल से भी और स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन्स। द ओवेरी, एड्रीनल ग्लैंड एंड प्लेसेंटा। अब जो प्रोजेस्टेरोन है वो बेसिकली ओवेरी, एड्रीनल ग्लैंड एंड प्लेसेंटा के द्वारा सिक्रेट होता है। तो ये थे हमारे मेल फीमेल सेक्स हार्मोन्स, इनके बारे में आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट लेक्चर्स की प्लेलिस्ट भी मिलेगी, टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा और इंस्टाग्राम का लिंक भी मिलेगा, आप किसी को भी ज्वाइन कर लीजिए, मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द ही हम रेगुलर कंटिन्यू करेंगे अदर सब्जेक्ट्स को भी। 2 वीडियोस आने वाले दिनों में आपको पर डे देखने को मिलेगी, तो इससे आपका जो सिलेबस है वो जल्द ही कवर हो पाएगा। तो बस बने रहिए हमारे साथ, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आजकल आप लोग सपोर्ट करना ही भूल गए हैं, ना तो शेयर करते हैं वीडियोस को, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने का आपका कोई भी पैसा नहीं लग रहा है, एक बार सब्सक्राइब कर लिए हमारे साथ जुड़ जाए तो हमें लगेगा कि हमारे साथ इतने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तो इनकी डिमांड हमें पूरी करनी चाहिए। तो जितना आप सपोर्ट करेंगे हम उससे कई गुना ज़्यादा आपको सपोर्ट करेंगे। तो बस बने रहिए हमारे साथ, और कुछ नहीं चाहिए हमें आपसे, बस स्टडी कीजिए अपनी। थैंक यू।